Very good morning class. Now continue our revision classes of chapter number 4. Revision class start कर रहे हैं अपन. अपन last videos में हमने chapter number 3 discuss किया था. आज हम discuss करेंगे chapter number 4. Chapter 4 discuss करेंगे. Chapter 4 का name है visit to a doctor. Okay? Chapter 4. Revision is MCQs questions. Chapter number 4. Revision. चैप्टर फोर का नेम है हमारा विजिट टू अ डॉक्टर. विजिट टू अ डॉक्टर ये अपने चैप्टर का नेम है. तो चैप्टर हम डिस्कस कर चुके हैं पहले. इसमें अंकित है वो काफी बीमार पड़ जाता है तो वो किसके पास जाता है? डॉक्टर के पास जाता है दिखाने के लिए. सभी जाते हैं ना, तो डॉक्टर उसको क्या क्या प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, क्या क्या मतलब अपनी देखभाल कैसे करनी है, टैबलेट्स देते हैं, सिरप देते हैं पीने के लिए, कैसे उसे जल्दी रिकवर होना यानी ठीक होना है, तो सभी को देते हैं ना. अपन भी जाते हैं, अपन तबीयत खराब हो जाती है, फीवर हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो हम किसके पास जाते हैं दिखाने के लिए? डॉक्टर के पास. तो हमने चैप्टर को रीड किया था विजिट टू अ डॉक्टर. अब हम इसके एमसीक्यूज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. सो ओपन योर नोटबुक. रीडर नोटबुक में आपको नोट डाउन करने हैं क्वेश्चन. फर्स्ट इज हु हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर. फर्स्ट क्वेश्चन इज हु had been suffering from fever. First is who had been suffering from fever? Ankit. अंकित, बी रोहन एंड सी नितिन. किसे फीवर था भाई बहुत तेज? हु हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर. ऑप्शन इज अंकित, रोहन, नितिन. तो किसे था फीवर मतलब बुखार किसे था बहुत तेज? अंकित को था. किसे था? अंकित को. हु हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर? अंकित. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज What did the doctor give to Ankit? Give to Ankit. First A is pills. B is syrup. And C is both first and second. Yes. What did the doctor give to Ankit? Doctor ने अंकित को क्या दिया? Pills, syrup, both A first and second. मतलब दोनों ही चीज दी थी ना डॉक्टर ने अंकित को सही होने के लिए. दवाई जो दी थी, टैबलेट दी थी, मेडिसिन दी थी और सिरप भी दी थी. तो pills and syrup. दो ही चीज दी थी तो राइट आंसर क्या होगा अपना? सी. ओके. थर्ड क्वेश्चन इज डॉक्टर आस्क्ड हिम Doctor asked him to take bed rest for. Option is 1 day. B is 2 days. And C is 3 days. Doctor asked him to take bed rest for 1 day,
2 days या 3 days, कितने days के लिए डॉक्टर ने अंकित को बेड रेस्ट के लिए बोला था? 2 days के लिए, यानी 2 दिन के लिए अंकित को डॉक्टर ने बोला कि आपको क्या करना है, बेड रेस्ट करना है, यानी रेस्ट करना है जिससे आप जल्दी रिकवर हो सको। क्वेश्चन 4, डॉक्टर एक्समाइंड हेल्थ, ऑप्शन इज पल्स chest and C is all of these. डॉक्टर ने अंकित को किस अंकित के लिए किस चीज की जांच की? पल्सेस की थी, चेस्ट की थी, या ऑल ऑफ दीज, यानी सभी चीज की जांच की थी डॉक्टर ने अंकित की? ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर, सी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 इज, क्वेश्चन 5 देखेंगे हम। अंकित कुड नॉट, यस अंकित कुड नॉट डैश एट ऑल, स्लेप बी इज प्ले एंड सी इज नन ऑफ बी। अंकित क्या नहीं कर पा रहा था? सो नहीं पा रहा था, तो आंसर क्या लगाएंगे अपन? ई या राइट, ई अपना राइट आंसर होगा। अंकित कुड नॉट स्लीप एट ऑल, और मतलब वो अंकित क्या है, सो नहीं पा रहा था ढंग से, उसे नींद नहीं आ रही थी। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, हु हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर? अंकित। व्हाट डिड द डॉक्टर गिव टू अंकित? क्या दिया डॉक्टर ने अंकित को? पिल्स एंड सिरप, बोथ ए एंड से, फर्स्ट एंड सेकंड राइट आंसर है। डॉक्टर आस्क्ड हिम टू टेक बेड रेस्ट फॉर 1 डे, 2 डेज या 3 डेज, कितने डेज के लिए बोला? 2 डेज, यानी 2 दिन के लिए उन्होंने कहा, उसने कहा कि हमें तुम्हें क्या करना है, 2 दिन के लिए रेस्ट करना है। डॉक्टर एक्सप्लेन्ड हिज पल्सेस चेस्ट ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, अंकित कुड नॉट डैश एट ऑल, अंकित कुड नॉट स्लिप एट ऑल। नाउ कंप्लीट योर एमसीक्यूज क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 4, डू दीज क्वेश्चंस इन योर इंग्लिश रीडर नोटबुक। थैंक यू, बाय बाय।